जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय बहुत ही रोचक और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा घेरा। ऐसे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था सुरक्षा घेरा पे, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे साधक हैं जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है। ऐसे साधक हैं जो दूसरे साधक बंधुओं से साधनाएं लेते हैं, यूट्यूब या किसी किताब के माध्यम से साधना लेते हैं। इनके पास गुरु मंत्र नहीं होता है, तो ये गुरु मंत्र से बंधन नहीं कर सकते। मैंने कुछ घेरा मंत्र भी बताया था, कुछ सुरक्षा घेरा का मंत्र भी बताया था, लेकिन ऐसे हमारे साधक बंधु हैं जो कि बोलते हैं कि मंत्र उनको याद नहीं होते। तो ये विधान वैसे साधकों के लिए है जो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं। पहले तो एक संशय आया था दो दिन पहले, उसका निराकरण मैं कर दूं। किसी ने मुझे पूछा था कि जब सुरक्षा घेरा खींचते हैं तो कितने बार मंत्र को पढ़ते हैं या फिर कितनी बार जो चाकू है उसको पढ़ के फूंकते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप सुरक्षा घेरा खींचते हैं तो जितनी देर सुरक्षा घेरे को खींचने में समय लगता है उतनी देर तक आप गुरु मंत्र पढ़ेंगे, और अगर चाकू से खींच रहे हैं तो 3 बार उस पर अपना जो भी मंत्र है उसको पढ़ के फूकें, और फिर जब खींच रहे हैं तब भी आपको लगातार उस मंत्र को पढ़ना होगा। अब आते हैं ऐसे लोगों के पास जिनके पास गुरु मंत्र नहीं और लंबे लंबे सुरक्षा घेरा का जो मंत्र है वो उनको याद न रहे। आप लोगों को क्या करना है? देखो, गुरु पद्धति में हर चीज़ का एक उपाय दिया गया है और इस विषय का भी बड़ा विस्तृत उपाय है। आपको जो भी साधना करनी है, जैसे मैंने बताया है कि ये थंब रूल है साधना करने का, कि अगर आपको साधना करनी है तो जो जिस मंत्र की साधना करनी है वो मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होने का 2 लाभ होता है कि आपका उच्चारण 99% सही होता है, दूसरा जो समय होता है सिद्धि का वो कम हो जाता है। ठीक है, इसी विषय का दूसरा लाभ आपको तब होगा जब आप सुरक्षा घेरा खींचेंगे। सुरक्षा घेरा खींचने के लिए आपको जो पहला रिक्वायरमेंट है वो ये कि मंत्र आपको याद होना चाहिए, दूसरा उस मंत्र को लिखित रूप में ले, तीसरा आपको एक छोटे से चांदी की या फिर तांबे की जो लोटे होते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं, तो तांबा का अगर लोटा मिल जाए तो छोटा तांबा का लोटा ले लीजिए, उसको उसमें पानी भर के अपने सामने रखिए जहाँ आपको साधना करना है उस जगह पर। उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर को 1/3 उसमें डुबाइए और जिस मंत्र की आपको साधना करनी है उसको उल्टा पढ़िए। आप 3 बार उसको उल्टा पढ़ लेंगे, उसके बाद उस उंगली को निकालेंगे और अपने ललाट बिल्कुल ऊपर से ले करके अपने नाक तक उससे तिलक करेंगे। इतना करने से आप जो साधना कर रहे हैं उस मंत्र के प्रभाव से आपके चारों तरफ का जो दिशा है वो बंधन में आ जाता है। उस क्षेत्र में जहाँ पे ये साधना हो रहा है वहाँ पे किसी भी तरीके का अनवांटेड एनर्जी नहीं घुसेगा जिसका आह्वान आप नहीं करेंगे। ये प्रयोग आप अपने गुरु मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जब आप अपनी उंगली को उस लोटे में डुबाते हैं तो सीधा मंत्र नहीं पढ़ेंगे, मंत्र को लास्ट से शुरुआत तक पढ़ेंगे। एक बार ऐसा करने के बाद दूसरा बार करेंगे, तीसरी बार करके जो तिलक है वो ललाट से लेकर के, ललाट मतलब बिल्कुल ललाट के ऊपर से अपने नाक के मध्य तक लगाएंगे। ऐसा करने से जो बंधन है वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। जिनके पास गुरु मंत्र है, जिनके पास सुरक्षा का मंत्र है, जिनको घेरा का मंत्र सिद्ध है, वो इस विधान को ना करें, और करें भी तो तब करें जब उनके पास समय या फिर साधन की कमी हो। ये एक शॉर्टकट विधान है उन लोगों के लिए जो असक्षम होते हैं पूर्ण विधान को करने के लिए। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक संविधान सीखना है, जो मंत्र होते हैं आसन मंत्र बंधन मंत्र वो सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नंबर है 9431188585 इससे जुड़ सकते हैं। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है मेरा वेबसाइट www.agrotantra.se पर जाएं और वहां से अपॉइंटमेंट सीख करें। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें
rudranath@cm4 सर्च करके मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पर कृपा बरसाएं, ऐसा मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।